नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक क्रूज पर हो रही रेप पार्टी में आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने आर्यन खान की पैरवी के लिए देश के सबसे महंगे और हाई प्रोफाइल वकील, या यूं कहें कि सेलिब्रिटी वकील सतीश मानशिंदे को हायर किया हुआ है। बॉलीवुड के किंग खान अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सेलिब्रिटी वकील सतीश मानशिंदे को हायर किया हुआ है। लेकिन मानशिंदे अभी तक आर्यन खान को बेल दिलाने में असफल रहे हैं। वहीं आर्यन खान की तरफ से दायर याचिका पर कल सुनवाई होनी है, जिसमें पता चलेगा कि आर्यन खान को बेल मिलती है या कुछ और दिन उन्हें जेल में बिताने पड़ते हैं। वहीं अगर बात करें सतीश मानशिंदे की, तो सेलिब्रिटीज को चिट्ठियों में बेल दिला देने में माहिर मानशिंदे बॉलीवुड के कई हाई प्रोफाइल केस लड़ चुके हैं। बीते साल मिस्ट्री केस बन चुका सुशांत सिंह राजपूत का केस, उसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती को सतीश मानशिंदे ने ही बेल दिलवाई थी, जिसके बाद ये चर्चाएं भी सामने आई थी कि रिया कैसे मानशिंदे की फीस अफोर्ड कर पा रही हैं। वहीं 1993 के बम विस्फोट के मामले में संजय दत्त के बचाव में उतरी वकीलों की टीम में सतीश मानशिंदे भी शामिल थे। बेहद गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्होंने संजय दत्त को जमानत दिलवाने में कामयाबी पाई थी। इसके बाद से हाई प्रोफाइल केस में देश के सबसे मशहूर वकीलों में इनका नाम शुमार हुआ था। इसके बाद 2002 में सलमान खान पे लगे केस में भी सतीश मानशिंदे ने कामयाबी से भाईजान को बचा लिया था और उन्हें जमानत के साथ इस केस से बाइज्जत बरी भी करवा दिया था। वहीं सतीश मानशिंदे पालघर साधु हत्याकांड केस में भी विशेष सरकारी वकील हैं। प्रसिद्ध दिवंगत वकील राम जेठमलानी के मार्गदर्शन में उन्होंने 1983 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। मानशिंदे ने करीब 10 सालों तक राम जेठमलानी के अंडर काम किया, इसके बाद वे स्वतंत्र रूप से वकालत में आए। वहीं अब बात करें आर्यन खान के केस की, तो याचिका पर सुनवाई कल आनी है। देखना होगा कि क्या इस बार फिर मानशिंदे की दलीलें काम आएंगी या पिछली बार की तरह एनसीबी के पाले में आर्यन खान की गेंद आकर गिरेगी।